रिजिम में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज आए हूँ, एक फॉरेस्ट में आए हूँ। पूरा जंगल ही जंगल है, चारों ओर जंगल है। देखिए यहाँ पर मतलब ये दिन में ही टाइगर वगैरह आता रहता है, बहुत सावधानी से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जाने के लिए कोई आपको गाड़ी नहीं आता है, खाली आप पैदल आ सकता है। देखिए ऐसा वाला एक रास्ता मिलेगा। तो आगे मैं जाता हूँ दोस्तों, क्या क्या है देखता हूँ जंगल में जाके। तो कभी कभी मुझे टाउन में ठहर के अच्छा नहीं लगता है, पूरा पॉल्यूशन है। तो यहाँ पर आने से थोड़ा अच्छा लगता है, ये पूरा ग्रीनी। ऊपर में वो पहाड़ है। ओह, तो यहाँ पर लोग फिलहाल, ये महीना चल रहा है अगस्त का, बारिश सीजन है, होने से भी ये पहाड़ का साइड का एरिया है, थोड़ा ऊँचा है। तो इसलिए यहाँ पर मतलब अभी से मतलब ग्रीन वेजिटेबल लगा सकता है। तो ग्रीन वेजिटेबल के लिए तैयारी कर रहा है, ऐसे कमर्शियल हिसाब से नहीं है, ऐसे खुद खाने के लिए। तो यहाँ पर एक लोग का खेत का हाउस, ऐसे एक मतलब टेम्पोररी घर बना के बैठते हैं खेत में। लाइफ बोलने मुझे बहुत अच्छा लगता है जंगल में, मतलब ऐसे जाना। बेम्बू सूट मतलब खाने के लिए आते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा वाला वैरायटी का बेम्बू है। इस बेम्बू का नाम जो लोकल नाम है, इसको काको बांह बोलते हैं। बांह मीन्स बांस, काको बांस है। तो ये वैरायटी जो है मतलब बेम्बू सूट बहुत टेस्ट होता है खाने के लिए, खास करके पिकुल बना सकते हैं आप लोग। नहीं तो ये जो हम लोग का जो नॉर्थ ईस्ट का मेन फेवरेट फूड है, पोर्क फूड है। जो पोर्क करी के साथ मतलब पोर्क का साथ ये बेम्बू सूट डाल के बॉयल बना के खा सकते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट का सबसे फेवरेट फूड है। और इस ये बेम्बू के अलावा भी बहुत वैरायटीज यहाँ पर बेम्बू होता है। तो वहाँ पर मैं एक बेम्बू दिखाऊंगा, वो देखिए ये वाला बेम्बू। देखिए ये वाला बांस जो है आपका, इसको जाति कहते हैं। ये खास करके आसाम में पाया जाता है। ये इसका जो बेम्बू सूट का जो मतलब जो इसका पेस्ट करके जो जो टेंगा टेंगा जो टेस्ट आता है ना, वो उतना ठीक नहीं होता है खाने के लिए, इतना टेस्ट नहीं होता है। मतलब इसको बेम्बू सूट जो बनाता है उसको खरीसा बोलते हैं। तो ये जाति बांस का खरीसा इतना टेस्ट नहीं होता है, मतलब उसका इतना फ्लेवर नहीं आता है। तो ये मतलब काको बांस का मतलब बहुत एक बढ़िया फ्लेवर आता है, खास करके ये कोई भी बॉयल आइटम में बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है। आगे में भी है, ये मतलब जाके ख़त्म नहीं होगा, लेकिन मच्छर वगैरह थोड़ा है जंगल में। इसमें कभी कभी आना चाहिए, जंगल में घूमना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत स्ट्रेस होता है, हम लोग का बहुत एंग्जाइटी होता है मोबाइल वगैरह दिन भर चलाने से, कंप्यूटर वगैरह दिन भर चलाने से। तो मेडिटेशन भी बहुत लोग आजकल करने लगे हैं। तो अगर आप लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं तो ऐसा थोड़ा ग्रीनी जगह में कभी कभी आइए, एक बार घूमिए, आपका बहुत स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो आप लोग लगाने से
यहाँ आने से ऐसा चप्पल लगाइए, ऐसा वाला चप्पल जो वाट मतलब वॉशेबल हो। यहाँ आने के लिए आपको शूज पहनने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फिलहाल हम लोग ये नदी नदी जा रहा हूँ, नदी में जा रहा हूँ, कुछ साग सब्जी मिलते हैं तो लेके जाता हूँ। मुझे जंगली जो जंगल में होते हैं जो वाइल्ड जो वेजिटेबल होता है मुझे खा के मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई भी नया मतलब ग्रीन वेजिटेबल मुझे टेस्ट करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये बिल्कुल मतलब शहर से दूर है, शहर से बिल्कुल अलग एक एनवायरनमेंट है, एक बढ़िया मतलब स्ट्रेस फ्री बोले तो एकदम स्ट्रेस फ्री जगह है। बिल्कुल शहर से दूर, बिल्कुल सितार लोगों से दूर। यहाँ से यहाँ पे सब लोग मेहनत करने वाला लोग है और पूरा इनोसेंट लोग है। यहाँ टाउन के जैसे मतलब सितार टाइप का लोग नहीं रहता है यहाँ। दोस्तों फिलहाल मैं पूरा बीचों बीच पहाड़ का बीचों बीच हूँ। देखिए पूरा सारा पहाड़ ही पहाड़ है, ये नदी है। खाली नदी में जाता ही चलता ही रहा हूँ, नदी में जा ही रहा हूँ। मैं बहुत देर अकेला जाता रहा, जैसे महेंद्र कपूर जी का ये गाना याद आ गया, अकेला चलता रहा। तो ये देखिए पानी कितना क्लीन है दोस्तों। वाह ये नदी जा रहा है, या मछली नहीं है क्या मछली फिलहाल? तो ये देखिए दोस्तों एक चीज़ दिखाऊंगा मैं फिलहाल आपको। फिलहाल तो मैं नदी में हूँ, तो ये देख पा रहे हैं ना, ये नीचे से फिलहाल अभी ये मिट्टी मतलब निकाल रहा है। इसे सब ये नया नया मिट्टी है, ये थोड़ा कच्चा मिट्टी है। देखिए मतलब थोड़ा देर पहले ही वो मतलब निकाला हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ होता है उसको आसामीस में केकुड़ा कहा जाता है, ये भी बहुत टेस्टी होता है खाने के लिए। मतलब ये भी एक तरह का इसका मछली का ही मतलब फैमिली से आता है, लेकिन मछली नहीं होता है उसको, मतलब उसका थैंग वगैरह होता है, लेकिन पकड़ने से बहुत ज़ोर से कटता भी है। खास करके ओसा वाला जो छोटा छोटा गड्ढा है वहाँ पे होता है। अभी इसको मैं गड्ढा को मतलब खोदने से वो निकाल जाएगा। फिलहाल मैं सब अभी करने के लिए नहीं आया हूँ, जैसे घूमने के लिए आया हूँ, खाली आप लोग को दिखाने के लिए आया हूँ कि कितना ये ग्रीन एनवायरनमेंट है। कभी कभी लोग खास करके शहर में बैठा हुआ लोग आइए यहाँ घूमने के लिए। तो देखिए ये एक तरह का सब्जी होता है, इसको मेजाकी बोलता है। ये भी खास करके पोर्क का साथ खाया जाता है, नहीं तो ये दाल का साथ भी खा सकते हैं। इसका टेस्ट थोड़ा सा मतलब मिल्की टेस्टी होता है, जैसे दूध थोड़ा दूध जैसा लगता है, मतलब थोड़ा सा टेस्टी, थोड़ा सा स्लाइट बिटार होता है, इतना भी बिटार नहीं होता है। ये थोड़ा मेच्योर हो गया है पत्ता, जो इमेच्योर पत्ता वगैरह होता है वो खाने के लिए ज़्यादा अच्छा लगता है। ये खास करके इसे नदी का किनारे में ही ये पाया जाता है।